दोस्तों गुरुवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित है। कई लोग मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए गुरुवार का व्रत भी रखते हैं। माना जाता है कि जिन लोगों को करियर में कोई बड़ी सफलता नहीं मिल पाती या फिर विवाह में बार बार बाधा आती है, वे गुरुवार का व्रत रखकर विधि विधान के साथ भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। गुरुवार के दिन व्रत रखने का सबसे बड़ा नियम यह होता है कि इस दिन नमक का सेवन नहीं किया जाता। कुछ लोग शाम के समय भगवान विष्णु को मीठे आहार का भोग लगाकर उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करके अपने व्रत का समापन कर लेते हैं। भगवान विष्णु का व्रत करने से भाग्योदय भी होता है। माना जाता है कि अगर बहुत प्रयासों के बाद भी आपका कोई काम नहीं बन पा रहा है तो आपको गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की आराधना जरूर करनी चाहिए। गुरुवार के दिन एक और नियम बहुत महत्वपूर्ण है, इस दिन खिचड़ी और केला नहीं खाया जाता। तो आइए जानते हैं कि गुरुवार के दिन इन दो चीजों को खाने की मनाही क्यों है। दोस्तों गुरुवार के दिन अगर आप व्रत नहीं भी रखते हैं तो भी केला नहीं खाना चाहिए, क्योंकि माना जाता है कि केले के पेड़ पर भगवान विष्णु का वास होता है। ऐसे में गुरुवार के दिन केले के पत्ते या केला तोड़ना भी शुभ नहीं होता। आप गुरुवार के दिन भगवान विष्णु को केला चढ़ा सकते हैं, लेकिन इस दिन केला खाने की मनाही होती है। गुरुवार के दिन केला खाने से आपको भगवान विष्णु की पूरी कृपा नहीं मिल पाती है, साथ ही आपसे धन की देवी माता लक्ष्मी भी नाराज हो सकती है। इससे आपके जीवन में आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों गुरुवार के दिन एक और पीली चीज खाने की मनाही होती है, खिचड़ी। खिचड़ी को गुरुवार के दिन खाना शुभ नहीं माना जाता। कहते हैं कि गुरुवार के दिन खिचड़ी खाने से आपके ग्रह कमजोर हो जाते हैं और आपको भाग्य का साथ नहीं मिल पाता। इसके अलावा गुरुवार के दिन खिचड़ी खाने से घर में गरीबी का वास होता है, आपकी आय कम होने लगती है और खर्चे बढ़ने लगते हैं। आप अगर अपने घर में सुख शांति और संपन्नता देखना चाहते हैं तो गुरुवार के दिन खिचड़ी और केला खाने से परहेज करें। तो दोस्तों अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए।